अरे माँ खाना जल्दी लाओ ना, भूख लगी है। आ रही हूँ आ रही हूँ। ये क्या माँ, फिर से वही दाल, कुछ तो नया बनाया करो। तुझे पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, और ऊपर से तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा। वो तो अच्छा है तेरे पापा की पेंशन आती है, उसी से घर चलता है। अच्छा ठीक है माँ, लेक्चर मत दो, पापड़ अचार तो ले आओ एटलीस्ट। हाँ लाती, पहले तू जूही को कॉल कर, देख तो महारानी कहाँ रह गई। माँ मैं आ गई। हेलो, कहाँ रह गई थी अब तक? अरे माँ बस नहीं मिली थी ना, इसलिए लेट हो गया, तो एक कॉल नहीं कर सकती थी। अरे माँ तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो, और वैसे भी मेरे साथ प्रिया थी ना। माँ मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, मेरे लिए भी खाने लगा दो। हाँ लगाती हूँ, चल पहले फ्रेश हो जा। ठीक है। तुम लोगों को घंटी सुनाई नहीं दे रही है, दरवाजा खुलने को नहीं। जी आप, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है, लगता है कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। आपके पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है तो प्लीज दे दीजिए ना। हाँ नंबर तो है, लेकिन अभी कोई आएगा नहीं, कल ही आएगा। क्यों, बहुत रात हो गई है ना। अच्छा तो अब मैं क्या करूँ? हमारे घर में बिजली है तो मुझे लग रहा है आपके घर में कुछ छोटा मोटा फॉल्ट ही होगा। वो तो मेरा बेटा पीयूष देख लेगा, है ना बेटा? हाँ हाँ मेरा भाई ना घर का प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन सब है, ले जाइए आप इसे। जा हाँ हाँ चलिए। अच्छा मेन स्विच कहाँ पर है? वो तो मुझे भी नहीं पता है, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ का। कोई बात नहीं मैं ढूंढ लेता हूँ, ले। अरे ये रहा, मिल गया। मुझे चेला कर देंगे? हाँ ये ठीक। छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। अरे वाह थैंक यू सो मच, पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। हाँ अच्छा अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चलिए, मुझे पढ़ाई करनी है, लेट हो रहा है, तो फिर कभी पक्का। ओके वैसे घर बहुत अच्छा है। थैंक यू, चलता हूँ, बाय। सॉरी वो आपका फोन। जुई दरवाजा खोल जाके। तू देख रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, जाके तो खोल। माँ को बताऊँ किस काम में बिजी है तू? ठीक है जा रही हूँ।